नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के बारे में जो मोस्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे आपको और भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट हो वो बता सकें। आपका कोई सा भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे RSCIT हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, उसमें आप आसानी से पास कर सकते हैं। ये जो हमारी वीडियोज हैं उसमें वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं और लगभग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन आ गए हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों में किया जाता है, सोशल मीडिया, ईमेल, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। दूसरा है बच्चों के स्कूल से संबंधित होमवर्क, प्रोजेक्ट कार्य के लिए। तीसरा है मनोरंजन, ज्ञान व खेल के लिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का इस्तेमाल ट्रेडिंग में किया जाता है, जिसमें पहला है संचार, शिक्षा और प्रशिक्षण। दूसरा है बिक्री और विपणन। तीसरा है खाता और वित्त। चौथा है उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में किया जा सकता है, पहला है स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय। दूसरा है ऑनलाइन शिक्षित करना। तीसरा है अनुसंधान और परियोजना। और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा सकता है, जिसमें पहला है अस्पताल प्रबंधन, दूसरा है मेडिकल लैब और सर्जरी, तीसरा है डायग्नोस्टिक और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। कौन सा कंप्यूटर AC पावर को DC पावर में परिवर्तित करता है? इसमें पहला है पोस्ट, दूसरा है अडेप्टर, तीसरा है SMPS, चौथा है RAM। इसका आंसर है सी, SMPS। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में संचार का माध्यम है, पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है कीबोर्ड और माउस और चौथा है प्रोसेसर। इसका आंसर आएगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, जबकि एक कुतरना मीन्स निब्बल के बराबर होता है, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। इसका आंसर आएगा 4 बिट, यानी बी, एक निब्बल और 4 बिट बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, पहली PD कंप्यूटर का मुख्य घटक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, तीसरा है ट्रांजिस्टर और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। अगला प्रश्न, वर्णमाला प्रतीकात्मक और विराम चिन्ह में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कोड सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है ASCII, दूसरा है BCD, तीसरा है ANCII, चौथा है USCII। इसका आंसर आएगा ए, ASCII। अगला प्रश्न, मतगणना से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं, पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है CPU, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, चौथा है ऑल ऑफ द अबोव, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है, जिसमें पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, चौथा है पल्म टॉप कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माउस से संबंधित है? पहला है ड्रैगिंग, दूसरा है क्लिक सिंगल, तीसरा है डबल क्लिक, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, कंप्यूटर त्रुटियों को कहा जाता है बग, चिप, स्पिलर और सिलेंडर। इसका आंसर आएगा ए, बग। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। पहला है मेनफ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, चौथा है पाम टॉप कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा ए, मेनफ्रेम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर को इनिशियलाइज्ड किया जाता है तो हार्डवेयर उपकरणों की जांच कौन करता है? पहला है पोस्ट, दूसरा है सिमोस, तीसरा है डीमोस और चौथा है आरआईपी। इसका आंसर आएगा, एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर में शब्द की लंबाई होती है, पहला है बिट एंड 4 बिट, दूसरा है 8 बिट, तीसरा है 16 बिट और चौथा है 32 बिट। इसका आंसर आएगा बी, 8 बिट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं? पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है ओरेकल और जावा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, स्मृति स्थान पर पता प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? पहला है रैम, दूसरा है एड्रेस बस, तीसरा है कंट्रोल बस और चौथा है हार्ड डिस्क। इसका आंसर आएगा एड्रेस बस, बी। रैम को परिभाषित करने के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है? पहला है डायनेमिक रैम, दूसरा है स्टैटिक रैम, तीसरा है वीडियो रैम, चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव, डी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला है मनोरंजन, दूसरा है स्कूली बच्चों के होमवर्क, तीसरा है सामाजिक मीडिया, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा एक संपीड़न कार्यक्रम नहीं है? पहला है विनजिप, दूसरा है पिकेजिप, तीसरा है विनरार, चौथा है रेड। इसका आंसर आएगा डी, रेड। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल डिस्क पर प्लेट क्षेत्र द्वारा चित्रित डेटा को लैंड कहा जाता है जबकि उच्च निम्न क्षेत्र द्वारा हाईलाइट किए गए डेटा को कहा जाता है? भूतल यानी सरफेस, दूसरा है लैंड्स भूमि, तीसरा है प्लेट्स, चौथा है पिट्स। इसका आंसर आएगा डी, पिट्स। अगला प्रश्न, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? पहला है आउटपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है इनपुट, चौथा है भंडारण। इसका आंसर आएगा आउटपुट, ए। थैंक यू, सभी मित्रों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम और भी आगे वीडियो डालेंगे, उन्हीं को भी देखें। वो आए और आपके नंबर बढ़ने में आपको सहायता मिले, उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।